दिल्ली NCR में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचने के बाद प्रशासन को NGT के आदेश की याद आ गई। गाजियाबाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राइवेट और सरकारी उपक्रम की 65 फैक्ट्रियां बंद करवा दी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अब ये कार्रवाई जारी रहेगी। हाँ, फिलहाल अभी इधर सभी जितने भी एक्टिविटीज हैं उन पर सब पर रोक लगा दी है, और सभी जितनी भी हमारी टाउन एरिया है, नगर पालिकाएँ हैं, नगर निगम में सब जगह पानी का हम लोग छिड़काव भी करवा रहे हैं, और जितने भी बड़े बड़े बिल्डिंग हैं उनमें कंस्ट्रक्शन पे फिलहाल अभी हम लोगों ने थोड़ा रोक लगा दी है। बाकी सभी काम जो भी इस तरह के थे, जो किसी भी तरह का पॉल्यूशन कर रहे थे, उन सभी गतिविधियों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी है। इस निर्णय से काम करने वाले सैकड़ों मजदूर रोजी रोटी को तरस गए हैं। मजदूरों के मुताबिक उनके घर में चूल्हा नहीं जला है। जिस दिन से बिल्डिंग में काम बंद हो रहा है भाई साहब, काम बिल्कुल मिल ही नहीं रहा है। बहुत परेशान चल रहे हैं, घर में इधर उधर फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, काम मिल ही नहीं रहा है। रोजी रोटी कोई नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है भाई साहब जब से आप। हम तो बैठे बैठे खाना भी ना बना है दो दिन से, बच्चे भी भूखे हैं, पढ़ाने के लिए पैसे ना आए। अगर ऐसा काम बंद करोगे तो फिर हम कैसे कमा के खाएंगे। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक इन फैक्ट्रियों से सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। इस लिस्ट पर गौर करेंगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, डाबर, इंडिया भूषण स्टील और श्रीराम पिस्टन जैसी बड़ी कंपनियां प्रशासन ने बंद करा दी हैं। NGT कोर्ट में अगली तारीख 14 नवंबर है, उस दिन इन फैक्ट्रियों का फैसला होगा कि क्या ये खुलेंगी या नहीं। न्यूज ब्यूरो।